शिवसेना मुर्दाबाद। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह से ये पूछ रहा हूँ, जो हमला हुआ है वो एमपी के घर के ऊपर हमला नहीं है, वो हिंदुस्तान के दस्तूर के ऊपर हमला हुआ है। मैं जो भी हिंदू सेना के कार्यकर्ता ये हमला करे हैं उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके घर पर हिंदू सेना के चंद शरपसंद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनके घर पर हमला किया, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर के नेम प्लेट को कुल्हाड़ी से उखाड़ दिया गया और शराब की बोतलें और पत्थरबाजी घर के बाहर से लेकर उनके घर के अंदर की। असदुद्दीन ओवैसी के घर में काम करने वालों को भी बदजुबान और गाली गलौज दी, जिसके चलते असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से और आवाम से मरकजी हुकूमत को ये कहा कि जब मुल्क में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर को हिफाजत नहीं है तो मुल्क की आवाम कैसे हिफाजत में रहेगी। और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये पहली बार नहीं हुआ है इनके साथ, मगर इस बार ज़रा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि इलेक्शंस में बीजेपी को मालूम पड़ गया है कि इस बार ये IMIM अपना झंडा लहराने जा रही है। और रियासत आंध्र प्रदेश जिला और शहर कर्नूल में ये IMIM कर्नूल सिटी प्रेसिडेंट यस मंजूर बादशाह की क़ियादत में इस असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमले को लेकर एक एहतजाजी प्रोग्राम किया गया, जिसमें हिंदू सेना मुर्दाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद और असदुद्दीन ओवैसी के घर पर हमला एक हिंदुस्तान के आइन पर हमला है के नारे लगाते हुए आवाम मरकजी हुकूमत पर भड़क उठी और वहीं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को इस्तीफा का डिमांड किया। उसी के साथ शेख मंसूर बादशाह ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जिला कलेक्टर के जरिए से एक लेटर लिखा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के साथ एक इंक्वायरी बिठाए ताकि हकीकत आवाम को मालूम और सही जो कसूरवार हैं उनको सजा मिले। शहर के अंदर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जानिब से एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है कलेक्टर ऑफिस के सामने, ये इसलिए कि 21 तारीख के दिन बरोज मंगल दिल्ली शहर जो हिंदुस्तान वाली तंजीम के चंद लोग जो है उनके घर के ऊपर अटैक करे हैं और पत्थर मारे हैं, ईंटों से मारे हैं, घर में जो है बच्चे काम करने वाले थे उनके ऊपर भी जो है। आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह से ये पूछ रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के कैपिटल शहर में आपके हाथ में दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, एक MP को आप जो है प्रोटेक्ट नहीं कर सक रहे हैं, तो जो है आवाम को क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज जो MP ओवैसी साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ है वो MP के घर के ऊपर हमला नहीं है, वो हिंदुस्तान के दस्तूर के ऊपर हमला हुआ है। मैं जो भी हिंदू सेना के कार्यकर्ता ये हमला करे हैं उनको सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। और जो है सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी करके ये कि हिंदू सेना के गुंडे ये लोग की ये हमला करे हैं या इनके पीछे कोई रहकर हमला करे हैं, जो वो ये हमले के पीछे कौन कौन हाथ है इसके पीछे, उन सबको सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से इंक्वायरी करा के सख्त से सख्त सजा दे, ताकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसे गलत काम होने से, ऐसे MP के घर के ऊपर अटैक होने से हमारी हिंदुस्तान की शान चले जा रही है। आज हिंदुस्तान में एक MP को जो है आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आम आदमी को क्या प्रोटेक्ट करते हैं। आप देख रहे हैं BJP के हुकूमत के अंदर कहीं भी आप ले लो, फला जगह जो है कुछ हमला हुआ, फला जगह किसी को मारे, सिर्फ यही काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी आवाम के वास्ते काम नहीं कर रही है, आवाम को लड़ाने के वास्ते काम कर रही है, आवाम को मारने के वास्ते काम कर रही है, इस देश को बेचने के वास्ते काम कर रही है। आपका हाथ नहीं होता ये देश छोड़ कर चले जाओ, ये हमारा डिमांड है MIM पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कर्नूल के जाने के। सैयद महमूद पीर, ब्यूरो रिपोर्ट, द पीर टाइम्स।